हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग काफी डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सचिन ने मुझे कुछ एक्सप्लेन किया है बट मुझे कुछ समझा नहीं, सो वो बोल रहा है कि वो इंटरेस्टिंग है। इट्स इंटरेस्टिंग, रुक आई विल एक्सप्लेन। क्या तूने कभी फुटप्रिंट के बारे में सुना है? व्हाट इज अ फुटप्रिंट? ऑब्वियसली सबने सुना है। तो स्टिल लेट मी टेल यू गाइस, अगर आप बीच पर चलते हो, कुछ कदम चलने के बाद आप पीछे मुड़ के देखते हो, दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि आपके फुट मार्क्स आपको दिखेंगे। दैट्स योर फुटप्रिंट। Now to associate that with the carbon footprint, आप throughout the day जो सारी चीजें करते हो या फिर कुछ चीजें यूज करते हो, वो चीजें आपका कार्बन रिलीज करती है, as in emit करती है वो actions, and that's what is your individual carbon footprint. कुछ समझा? नहीं। Fine, let me give you some examples. अगर आप सुबह सोकर उठते हो, आप ब्रश करते हो या फिर आप एनी प्राइमरी कोर्सेज करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल इफ इट्स अ ब्रश, आप ब्रश करते हो, वो टूथपेस्ट है, वो टूथब्रश है, एक फैक्ट्री से आता है। अभी ये फैक्ट्री में इस ब्रश को पैकेजिंग हो या फिर प्रोसेसिंग होता है, वहां से वो ट्रांसपोर्ट होकर मार्केट स्टोर में आता है, आप वहां से खरीदते हो, द एंड रिजल्ट यू आर द ओनर ऑफ इट। सो फाइनली ये प्रोसेस के दौरान जो भी कार्बन एमिट हुआ है, ट्रांसपोर्टिंग में है, प्रोसेसिंग में है, ये उसका कार्बन फुटप्रिंट है, और दैट्स योर कार्बन फुटप्रिंट एट द एंड ऑफ द डे। फॉर एन एग्जाम्पल टू एड टू वुड, अगर आप कोई खाना खाते हो या पैक्ड फूड खाते हो, सिमिलर वे उसके प्रोसेसिंग में भी कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन रिलीज हुआ है एनवायरमेंट में, दैट्स योर कार्बन फुटप्रिंट। अगर आप व्हीकल से ट्रैवल करते हो तो आप सोचते रहोगे कि मेरा व्हीकल एमिट करता है। यस, आपका व्हीकल कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करता है, बट दैट्स नॉट जस्ट योर कार्बन फुटप्रिंट। आप इसके पहले का एक्शन अगर सोचते हो कि वो व्हीकल मैन्युफैक्चर होता है एक फैक्ट्री में, वहां पर जो रॉ मटेरियल आता है कोई ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आता है, उसके दौरान उसके बाद आफ्टर प्रोसेसिंग से वो डिलीवरी होती है व्हीकल्स की, देन इट कम्स टू यू, एंड दैट्स व्हाट इज द एंड रिजल्ट आफ्टर यू ड्राइव, इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स एंड मेक्स योर कार्बन फुटप्रिंट। गाइज, वैसे तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, आप टिश्यू पेपर्स यूज करते हो, न्यूज पेपर्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, सो दैट्स व्हाट वेन एवर इट इज मेड, इट्स नॉट द सिंपल वे ट्री कट करते हैं वो कार्बन फुटप्रिंट हो जाता है, वो प्रोसेसिंग में मिल्स में फिर वो कार्बन फुटप्रिंट हो जाता है। द एंड ऑफ द डे आप जब सम अप करते हो तो ये आपका इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट है। आई हैव नेम्ड अ फ्यू ऑफ इट, देयर आर मेनी सच। एक्चुअली इंटरेस्टिंग। डू वन सेकेंड, बट तू क्या ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग राइडिंग ना करें या फिर हम लोग रोज की चीजें ना करें? स्टॉप टूरिंग, इट्स सो ऑब्वियस। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग टूरिंग नहीं करेंगे। गाइस, वन मोर थिंग, ये सारी एग्जांपल्स जो मैंने दी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको इनको बंद करना है, हमें उनको कर्व करना है, और ना ही हम हमारे पैशन को कर्व करेंगे डूड। सो यस, वी गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि हाउ वी कैन कर्व आर इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट, बट नॉट ऑन दिस वीडियो बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस। अगर आपको ये देखना है कि आप आपके इंडिविजुअल कार्बन फुटप्रिंट कैसे रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो, तो गाइज वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, वी रियली गोइंग टू कम अप विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तो इंटरेस्टिंग है ना, मुझे तो इस टॉपिक पे और बात करने का मन कर रहा है। गाइज प्लीज स्टिक टू दिस चैनल ऑफ आज, वी गोइंग टू कम अप ऑन मोर फ्यू वीडियोस, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोग क्या नेक्स्ट करने वाले हैं। सो या गाइज, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, ये मुझे आप लोगों को बताना था। सो अगर आपको इस बारे में कोई भी डाउट्स रहेंगे, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम लोग उसको रिप्लाई कर देंगे। गाइज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, सी या। कूल, सी या गाइज। क्या तूने कभी फुटप्रिंट के बारे में सुना है? व्हाट्स फुटप्रिंट? ऑब्वियसली एवरीवन नोज व्हाट्स अ फुटप्रिंट। वन सेकंड, मैंने तेरे पास देख लिया। यस, इट्स इंटरेस्टिंग। रुक, मैं इतना छोटा सा स्क्रिप्ट रीड थ्रू नहीं, मेरे एक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को एक्शन नहीं एक्टिंग में। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। क्या तूने फुटप्रिंट के, क्या तूने बोल दिया, मैंने सिर्फ नहीं दिया, सॉरी, वापस पूरा ले। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक डिफरेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। वापस ले, क्यों इस पर हमें चीज नहीं है भाई। ओके, यार चीज बोल दिया मैं, डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। ओके, हेलो फ्रेंड्स, तो आम अरे आने को भी नहीं हो रहा इधर से, ओ अरे ये गिर रहा है, ये माइक देखो किधर है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड स्पेशल थैंक्स टू पीटर मैकिनन। इफ यू डोंट नो हुज पीटर मैकिनन, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। विल गिव हिज नेम, या विल गिव हिज नेम, एंड उन्हीं की वजह से ये वीडियो, ये एक्सपेरिमेंट था जो हमने किया। आइडिया इज फ्रॉम हिज वीडियो, दिस आइडिया इज फ्रॉम हिज वीडियो, सो होप इट्स सक्सेसफुल। आई डोंट नो, थोड़े बहुत मिस्टेक्स ही होंगे हमने, बट देन दिस वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। एंड या, वन वॉइस मिनट विल फॉलो दिस वीडियो, सो
बाय बाय गाइज, आज का एक वाइज मिनट जो है वो हम इस पर फोकस करेंगे कि दिन में जब आप पहली बार आपकी बाइक शुरू करते हो तो आपको क्या क्या नेसेसरी चेक्स है। फर्स्ट टिप ये है कि जब आपकी बाइक जब आप स्टार्ट करो मॉर्निंग में, तो ये इंश्योर करो कि आपकी बाइक साइड स्टैंड पोजीशन पे ना हो और स्टैंडिंग पोजीशन को। इसका रीज़न ये है कि जब आप बाइक स्टैंडिंग पोजीशन पे लाते हो तो जो इंजन ऑयल होता है जो एक साइड पे होता है जब आपकी बाइक साइड स्टैंड पे होती है, वो एक लेवल में आ जाता है बेस पे, जो बाइक स्टार्ट करने के लिए एसेंशियल होता है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करो तो आपके हेडलाइट के स्विचेस चेक करो। हेडलाइट स्विचेस ऑन पोजीशन पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिसके वजह से क्या होता है, अगर आप ऑन पोजीशन पे रख के इसको स्टार्टर देते हो तो ये चांसेस है कि हेडलाइट आपकी उड़ सकती है। अगली बात जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा वो ये है कि बहुत सारे लोगों को आदत होती है जैसे वो इंजन इग्निशन देते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं, वैसे रेव करते हैं अपनी बाइक। कभी भी स्टार्ट करते ही तुरंत रेव मत कीजिएगा। इसका रीज़न ये होता है कि जो इंजन ऑयल होता है वो बाइक स्टार्ट करने के बाद 30 सेकेंड्स लेता है टू सर्क्यूलेट इनसाइड द होल इंजन। जो इंजन का टॉप पोर्शन होता है वो काफ़ी ड्राई होता है और वो सर्क्यूलेट करने के लिए एटलीस्ट 30 सेकेंड का टाइम लगता है बाइक को।